गन्ना शोध संस्थान में लगे किसान मेले के इस समय हम ऐसे स्टॉल पर पहुंचे, यहां पर एक शोल्डर ट्रॉली है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कंपनी के ऑनर प्रदीप कुमार जी। उनसे बात करेंगे कि ये शोल्डर ट्रॉली कितनी सुविधाजनक है किसानों के लिए और क्या इसके लाभ हैं। प्रदीप जी बताइए कि किसान भाइयों के लिए क्या खास है ये ट्रॉली में। देखिए, हमारे देश का जो किसान है वो सोलर को क्यों नहीं अपना रहा है, उसका सबसे ज़्यादा रीज़न एक तो इसके खेत से चोरी होने का बहुत खतरा रहता था जो फिक्स टैंड सोलर पंप आते हैं। और हमने पीछे सर्वे भी करवाया था जिसमें पाया कि लगभग 80% फार्मर के खेत हैं जो 2 से 3 अलग अलग स्थानों पर हैं और उसके लिए वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है सभी खेतों के लिए अलग अलग सोलर पैनल लगवाना। उसका समाधान ये हमारी कंपनी ने निकाल के दिया है, सोलर मूवेबल ट्रॉली सिस्टम, जिसे किसान बड़े आसानी से अपने ट्रैक्टर के पीछे या अपनी गाड़ी के पीछे टो करके बड़े आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकता है और अपना कार्य फारिग करने के बाद उसको इजीली घर पे अपना सुरक्षित लेके आ सकता है। 2 जगह खेत हों तो कॉस्ट भी उसको कम आएगी फिक्स टैंड की अपेक्षा। ठीक है, और एक चीज़ बताइए, ये तो खेत के लिए भी इस्तेमाल किया, घर के बिजली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सोलर है ये एनर्जी जनरेट करता है, आप इसको अलग से एक डिवाइस आता है हमारा होम PCU के नाम से, उसके साथ अटैच करके फ्री टाइम में इसको घर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके लोड की, वर्किंग जो है कितने KV तक के ये ट्रॉली आप बना रहे हैं? देखिए, हमने इसकी स्टार्टिंग जो की थी केवल 3 HP से की थी, लेकिन अब हमने इसमें लगभग 10 HP तक के मॉडल हमने इसमें लॉन्च कर दिए हैं मार्केट के अंदर, जो कि पूरा इंडिया लगभग कवर हो जाता है 10 HP के पंप के अंदर, पूरा इंडिया में सफिशेंट है सभी फार्मर के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, जिस तरीके से अभी तो ये फोल्ड है पूरी, तो किस तरीके से इसको खोलेंगे, क्या किस तरीके से ये होगी? देखिए, इसका हैंडल दिया गया है, केवल नॉर्मली आपको इसको मूव करवाना है। और इस तरह से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं इसी हैंडल के द्वारा। ये तो बहुत ही इजीली है, जैसा हम देख पा रहे हैं कि खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है। दूसरा, हम ये कहीं आपसे बात करें कि लागत की अगर बात करें, किसान अगर पैसा खर्च करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि कितना पैसा लगाएंगे, तो क्योंकि किसान लागत लगाने से पहले आमदनी की सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है। जैसा कि रही कंपेरिजन में इसका डीजल से या इलेक्ट्रिसिटी से अगर इसका कंपेरिजन करें तो दोनों ही से ये काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में आता है। डीजल के तो रेट आपको पता ही है, आसमान छू रहे हैं बिल्कुल, और इलेक्ट्रिसिटी मिल पाना समय पर काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो एक ही सॉल्यूशन बचता है, सोलर पंप सेट, जो लोग किसान नहीं अपना रहे थे, रीज़न यही था कि फिक्स टैंड, चोरी होने का खतरा। अब उसका समाधान हमारी कंपनी ने निकाल दिया और काफ़ी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमें इस मेले से भी मिला है। कितनी कॉस्ट का है ये, अगर तैयार करवाते हैं इसको तो कितनी कॉस्ट में अलग अलग होंगी? 3 HP का, 5 HP का होगा, उसके बाद में और भी आपने बताया। देखिए, मैं शुरुआतिंग पॉइंट बताना चाहूँ तो इसका ये लगभग 1,80,000 से स्टार्ट होके और टोटली 10 HP विद ट्रॉली जाएँ तो 6-6.5 लाख रुपये तक इसकी कॉस्ट जाती है, वो किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से परचेज कर सकता है। ये एक बात और अहम बात ये है कि अगर आप कोई किसान भाई लेना चाहता है, क्योंकि अगर बात की जाए यूपी की, यहाँ की शायद की बात की जाए तो हालांकि यहाँ पर अभी तक ये की ट्रॉली को देखने को नहीं मिली है, हमने भी आज ये पहली बार देखी, वैसे एक्चुअली देखते थे लेकिन अगर ऑन द फेस देखें सामने तो बिल्कुल पहली बार हमने देखा, तो अगर कोई किसान लेना चाहता तो कैसे खरीदे इसमें? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, आपके यूपी के अंदर ही लगभग 15 से 20 पंप सेट हमारे पिछले लगभग 1.5 साल से कंटिन्यूस चल रहे हैं, जिनमें से एक फार्मर से मैं मिलाना भी चाहूँगा आपको, जो पिछले लगभग 1.25 साल से इस ट्रॉली पंप सेट को यूज भी कर रहे हैं। इसको क्या बेनिफिट इनको मिला है, क्या इसमें इनको प्रॉब्लम आई है, ये सारी आपको खुद फार्मर बताएगा, वो ज़्यादा उचित रहेगा। ये बताइए कि कितना कंफर्टेबल है, कितनी लाभदायक, कितनी सुविधाजनक है? बढ़िया है, सुकून से एक दिन में 7 से 8 बीघा भरता है। इस टाइम आने वाले टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये मान लीजिए लगभग ये 9 से 10 बीघा इसका एवरेज जाएगा। और आपने देखा होगा पंप की कहानी बड़ा अजीब रही है, अभी तक पैनल लगते हैं, जो पंप लगते थे वो लोगों के खेतों में उसमें चोरी का खतरा बहुत होता था, इसमें उससे आपको राहत मिल गई है। इसमें आपको सुबह से शाम तक खेत पर काम करना है, उसके बाद वापस आपको उसको ट्रॉली को फोल्ड करके इसको वापस जो है इसको इसका शाम इसका इस्तेमाल नहीं है, इसको लेके जाना है वापस घर पे। बात की जाए इस सोलर ट्रॉली की तो तमाम इसमें खूबियां हैं, अगर बात की जाए ग्रीन एनर्जी है, खास बात ये सबसे प्लस पॉइंट है कि ग्रीन एनर्जी है। दूसरा बात और जो ऊर्जा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, डीजल की बात करें, उनसे काफ़ी सस्ता है, तो किसान भाइयों के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहने वाली है ये सोलर ट्रॉली।